आज हम बनाएंगे बथुए के पराठे या बथुए की पूरी भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। कई सारी रेसिपी बनती हैं बथुए से। तो सब्जियों में जो है बथुआ काफी आता है और ये है कि बहुत ही फायदेमंद भी होता है बथुआ, शरीर को गर्म भी रखते हैं और साथ ही इसकी बहुत सारी रेसिपी बनाई जाती है बथुए की। तो मैंने इसको धोकर साफ कर लिया है 3-4 बार अच्छे से बाल्टी में पानी में, तो ये बिल्कुल अच्छे तरह से वॉश कर ले। इसके बाद इसे हम कुकर में 1 गिलास पानी, 1 किलो बथुआ है तो 1 गिलास पानी डालकर कुकर में 1 सीटी लगाऊंगी, तब तक ये उबल जाएगा अच्छे से। 1 सीटी में बहुत अच्छे तरह से उबल जाता है। उसके बाद हम किस तरह से बनाएंगे वो उसकी जो विधि है, फिर बथुआ उबल जाएगा वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज अगर मेरी आपको रेसिपी आगे देखने में अच्छी लगे, वीडियो को पूरी जरूर वॉच करना, तो फिर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट और शेयर भी करना। तो अब मैं इसको उबलने के लिए रख देती हूँ कुकर में 1 सीटी। बथुआ 1 ही सीटी में उबल जाता है, लेकिन मैं इसके साथ में क्योंकि पराठे बनाएंगे हैं तो आलू डालने इसमें जरूरी है, तो मैं आलू भी इसके साथ अच्छे से मैंने बहुत ही अच्छे तरह से वॉश कर लिया जिससे मिट्टी वगैरह बिल्कुल ना रहे। तो बथुए में ये आलू भी डालकर उबाल रही हूँ, तो इसके लिए मैं क्योंकि इसमें आलू है तो 2 सीटी लगाऊंगी। अगर आप आलू अलग से भी उबाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ही डालकर उबालूंगी और 1 गिलास पानी डाल दूंगी, तो ये दोनों काम मेरे जल्दी से हो जाएंगे, आलू भी उबल जाएंगे और बथुआ भी उबल जाएगा। तो मैंने इसमें डाल दिया बथुआ और आलू। अब मैं डाल दूंगी 1 गिलास पानी। अब हम इसको बंद करके 2 सीटी गैस ऑन कर दी है और इस बथुआ भी कुकर में रख दिया है। 2 सीटी लगाने तक मैं इसको उबालूंगी। और ये देखिए आप इकट्ठा भी बथुआ ये उबाल कर रख सकते हैं और फ्रिज में रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक कहीं खराब नहीं होता पीस कर। फ्रिज में से हमारे 2-3 सीटी में ये आलू भी अच्छे से देखे गल गए हैं और ये देखिए और बथुआ भी हो गया है। और इसका हमने पानी अलग छान देंगे, ये देखिए। और पानी को इसको या तो आप आटे गूंदने में यूज कर सकते हैं, आप इसको फेंक भी सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना इसको ठंडा करके यूज करें अगर आप आटा गूंदने में यूज करेंगे, लेकिन आपको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इसकी क्योंकि इसमें इतना मॉइस्चर हो जाता है बथुए में, तो इससे ही आप आटा गूंदेंगे तो काफी टेस्टी बनेगा। और वैसे बथुए का पानी और भी कई काम आता है, उसकी वीडियो में फिर कभी बनाऊंगी उसके बारे में। पहले हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं और आलू को छील के अच्छे से मैश कर लेते हैं, तो इसको पहले ठंडा होने देते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने बथुए को तो इसका पानी छानकर इसका अलग निकालकर फेंक दिया था और ये आलू को छील लिए हैं, मैश कर दिया है अच्छे से। अब इसको ठंडा होने देते हैं और जितना आपको बथुआ चाहिए उतना भी यूज करें, और जितने मतलब आपको जितनी क्वांटिटी में पराठे बनाने हैं उतना ही आप आलू और ये अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ये देखिए अब इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आटे में सारे मसाले और जो भी इंग्रेडिएंट डालूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी बथुआ भी हल्का हल्का गर्म है, ठंडा होने देते हैं बिल्कुल, और आलू को भी। उसके बाद हम जो है इस पराठे का आटे को लगाकर तैयार करेंगे, तो पहले इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। देखिए बथुए का पराठा बनाने के लिए हमने बिल्कुल ही 2-3 पराठे का आटा लिया है, तो अपने हिसाब से आलू इसमें डाल देंगे और जितना बथुआ चाहिए आपको उतना ही इसमें मिक्स कर लेंगे। तो मैं थोड़े से ही पराठे बनाऊंगी तो इसलिए थोड़ा ही इसमें बथुआ मिक्स कर रही हूँ। और ये डालेंगे थोड़ी सी हींग और ये हरी मिर्ची और नमक मिर्च, ये सारे जो डेली यूज के मसाले अकॉर्डिंग जितना आपका ये मिश्रण है उस हिसाब से आप डाल देंगे। नमक है, पिसा धनिया है, लाल मिर्चें हैं और गरम मसाला वगैरह और अदरक लहसुन का जो ये है या तो आप पीस के डाल लें, और मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो एवरेस्ट का, तो मैं यही डाल देती हूँ थोड़ा सा। इससे ना अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे डाल के अच्छे से मिक्स करके हम आटा गूंद लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने बथुए का आटा गूंद लिया, कितना ग्रीन ग्रीन ही बना है ये देखिए। तो आप इस तरह से आटा जैसे और पराठे का आटा गूंदते हैं इससे ही, इसमें मैंने बथुआ और सारे डेली यूज के मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट और बड़ी बड़ी कटा हुआ हरा धनिया भी आप इसमें डाल सकते हैं जिससे टेस्ट बढ़ जाएगा, और हींग डालने। तो इस तरह से आटा गूंद लिया, अब इसके हम पराठे तैयार करेंगे। इधर मैंने गैस गूंद कर दिया तो अभी चढ़ा दिया, अब इसमें मैं पराठे बनाकर हम अच्छे से सेक लेंगे। इसमें जो भी तेल आप यूज करते हैं पराठे बनाने में, देसी घी हो, रिफाइंड हो या सरसों का तेल हो, कोई भी आप यूज करके पराठे बना सकते हैं। तो अगर आप रिफाइंड में बनाएंगे तो काफ़ी कुरकुरे बनते हैं, लेकिन यह है कि सब अपने अपने हिसाब से ही ऑयल यूज़ करते हैं, तो मैं तो रिफाइंड का यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप इसे देसी घी में ही बना सकते हैं, काफ़ी टेस्टी रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये पराठे बेल लिए हैं और गोल गोल, और इसे आप
दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें। तो ये दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे अलट पलट कर, तो ये है कि अच्छे से सिक जाएंगे। और फिर जब ये अच्छे से सिक जाएंगे, आप इसको दही के साथ और इसके अलावा अचार के साथ, मिर्च के अचार के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। आप इसे लंच में, डिनर में, नाश्ते में कैसे भी खाइए, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करें जिस तरह से मैंने आपको बताया है। वैसे तो बथुए के पराठे कई तरह से बनाए जाते हैं, और मैंने अभी आपको इसकी एक ही तरह से बनाने की विधि बताई है। आगे किसी वीडियो में मैं दूसरी तरह से भी आपको बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें और दोस्तों के साथ। और वीडियो में इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें सब्सक्राइब कर करके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आप अब कीजिए नाश्ते को एंजॉय।